फ्रेंड्स, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है, जिसमें कि वो ड्रिंक्स के साथ कुछ ऐसे स्नैक्स खाते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है और नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ड्रिंक्स के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब भी रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या घर पे भी अगर कुछ खाना खाते हैं, साथ में ड्रिंक्स के चिप्स ले लेते हैं चखने के तौर पर। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो ड्राई फ्रूट बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए ड्रिंक्स के साथ में, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। इसके अलावा बहुत लोगों की हैबिट्स होती है कि वो ड्रिंक्स को हमेशा कोल्ड ड्रिंक या सोडा के साथ मिला कर लेते हैं, तो लोगों को ये इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं अल्कोहल के साथ मिलकर। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग फ्रूट्स के साथ खाते हैं, मतलब फ्रूट्स खाते हैं ड्रिंक्स के साथ, तो वो भी हानिकारक है। अगर फ्रूट्स में केले को खाया जाए तो केला थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होने में मतलब ना होने में मदद करता है, तो केला खा सकते हैं साथ में। संतरे जैसी चीज़ें, संतरा, मौसमी, इस टाइप की चीज़ों के अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे भी अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी लोग साथ में चिली पोटैटोस टाइप या कुछ भी फ्राई करी हुई चीज़ें खाते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। नमक होता है उसके अंदर, डिहाइड्रेट करता है बॉडी को। और ड्रिंक्स करना वैसे तो सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ठीक है, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ड्रिंक्स के साथ में आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। थैंक यू।